हाँ तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पंजाब नेशनल बैंक का बैलेंस किस तरह से चेक कर सकते हैं और उसके स्टेटमेंट पे देख सकते हैं कि आपने कितना पैसे किसको पे किया है और आपके बैंक में कहाँ से पैसा आया, सभी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्ले स्टोर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप PNB एम पासबुक सर्च करेंगे इस तरह से, PNB एम पासबुक ऐसे सर्च करना है आपको। यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, यहाँ पर आप PNB एम पासबुक सर्च करने के बाद इस ऐप को जो आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा इसको आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर फॉरगॉट एम पिन पर क्लिक कर देना है। इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको कस्टमर ID डालनी है, जो कि आपके बैंक की पासबुक होती है उस पर 9 अक्षर होते हैं, वो आपको यहाँ पर डालने होते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले वही डाल देता हूँ। यहाँ पर और एक्सेप्ट पर क्लिक कर जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक 4 डिजिट यानी 4 अंकों का अक्सर वो सॉरी OTP आएगा, उसको यहाँ पर डाल देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको 4 अंकों का एक आपको पिन सेट कर लेना है और उसको आपको याद करके रखना है जब भी आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पिन सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नीचे भी कंफर्म पिन डाल देंगे इसी तरह से, जो सा आपने ऊपर डाला था वही आपको नीचे डाल देना और सेट पिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एरर आ रहा है, 1 मिनट रुकिए आप, और सेट पिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको दोबारा से वही पिन डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपके बैंक बैलेंस में नाम है यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर के 5 डिजिट आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे जब इस तरह से, और यहाँ पर आप 10 लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और यहाँ से आप सभी डिटेल निकाल सकते हैं। देखिए मिनी 10 ट्रांजेक्शन पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन आपको देखने मिल सकते हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो रोज देखने के लिए।